तमाम मेरे गाड़ी फ्रेंड्स को वैगी सोमचंगाज में बहुत बहुत खुश आमदेद। मेरे गाड़ी फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है अपने ऑर्नामेंटल प्लांट्स की कटिंग्स के हवाले से है, जो कि मैंने लास्ट मंथ डिफरेंट ऑर्नामेंटल प्लांट्स की कटिंग्स लगाई थी। तो मैंने कहा कि आज अपने गार्डन फ्रेंड्स को थोड़ी सी अपने अपडेट दी जाए, जितनी में मैंने अपनी कटिंग्स लगाई हुई हैं। और तमाम की तमाम मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ये जो कटिंग्स है इस वक्त जहाँ ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ अपने ये सहन में है। नॉर्मली जितनी भी मैं कटिंग्स लगाता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ अपने ये सहन में है। जैसे आप मुख्तलिफ यहाँ कोलियस प्लांट भी देख रहे हैं, डिफरेंट ये और ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, इधर भी देख रहे हैं स्पाइडर लिली, डायसिनिया, सारे के सारे यहाँ मेरे प्लांट्स होते हैं। और यहाँ नॉर्मली है ड्यूरेशन है सनलाइट का, नॉर्मली है 1 से 2 घंटे के लिए होता है। और जो भी आप कटिंग्स लगाएं, और जैसे पता है कि लास्ट मंथ मैंने लगाई थी, मानसून का ये महीना अभी स्टिल चल रहा है, तो ये कटिंग्स के लिए बेस्ट सीजन है हर तरह की जो कटिंग्स लगाने के लिए, ना कि सिर्फ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, सकुलेंट प्लांट्स, आपके आपके फ्लावरिंग ट्रीज है, जिस तरह की आप कटिंग्स लगाना चाहें हर तरह की कटिंग्स है इस महीने में लग जाती है। तो मेरे ख्याल फ्रेंड्स, पहले तो शुरू करते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये कैना लिलीज, ये कैना लिलीज की मैंने ये जो कटिंग्स है, मुझे कटिंग समझ लें या मुख्तलिफ इसके जो प्रोपोगेशन के हवाले से डिवीजन जिन्होंने की थी, बेसिकली कटिंग ही होती है, सेपरेट सी मैंने ये लगाई थी और ये मैंने मेन था। उसके बाद ये साइड से ये नई से नई ये मेरे गार्डन फ्रेंड्स ये देखे हैं, ये यहाँ से ग्रीन ग्रीन जो लीव्स हैं निकलना शुरू हुए हैं, छोटे छोटे हैं और बहुत बड़े बड़े लीव्स होते हैं, बड़े प्यारे से खूब से मल्टी कलर के फ्लावर्स आते हैं। और ये मैंने गार्डन फ्रेंड्स ये बाखूबी वाकफ है, ये कोलियस है, अभी ये रिसेंटली अभी मैंने लगाई है, इसको तकरीबन लगाए हुए 10 दिन हो गए हुए हैं। ये सारे के सारे मेरे ये कोलियस है, इतना ये हेल्थी बुशीज की ग्रोथ जारी है। आप ये आप देख रहे हैं, ऐसे मैं दिखाऊं, ये बड़े बड़े लीव्स वाले हैं, ये छोटे लीव्स वाले भी हैं। यहाँ से कैनी टूट गई थी तो मैंने यहाँ लगाई है, अब 10 दिन हो गए हैं। तो नॉर्मली 10 दिन के बाद तकरीबन आप ये सारी के सारी ये यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ इसकी हेल्थी ग्रोथ स्टार्ट होगी हुई है। हालांकि कटिंग्स छोटी लगानी चाहिए, तकरीबन नॉर्मली है यहाँ तक लगानी चाहिए थी कटिंग 6 इंच तक, लेकिन जितनी कैनी टूटती मैंने तकरीबन आधी नीचे दबा के कर दिया। लेकिन इसमें ये होगा जितनी बड़ी कटिंग लगाएंगे टाइम पीरियड उतना होगा उसमें उसको जो नए लीव्स हैं स्टेबल होने में, नए लीव्स निकलने में, नए ब्रांचेस निकलने में। और जितनी छोटी कटिंग लगाएंगे आप या 2-3 इंच तक जितनी उतनी जल्दी वो स्टेबल हो जाएगी। ये मैंने कहा डिफ्रेंस, ये बखूबी वाकफ हैं, ये मैंने ये वेरीगेटेड मनी प्लांट्स हैं, ये मैंने लगाए थे, इसकी एक कटिंग है यहाँ लगाई थी। और इसमें ये देखें नई से नई ये यहाँ से लीव्स है, ये बर्ड्स हैं यहाँ से, यहाँ ये देखें आप यहाँ से ये निकलना मेरे गार्डन फ्रेंड्स से शुरू हो गई हुई है। अब बाकी चलते हैं दूसरी तरफ है जी मेरे गार्डन फ्रेंड्स, यहाँ ये स्पाइडर लिली से बखूबी वाकफ है, डायसिनी, ये मैं डायसिन बेक किया है, मेरे नेबर्स ने मुझे दी थी। इसमें ये जो नई लीव्स हैं यहाँ से ये निकले हैं, पहले लीव्स लाजमी बात ऑब्वियसली येलो होकर ख़त्म हो जाती हैं, तो ये नए से नए ये डायफेन बेकिया की इस वक्त ये लीव्स निकल रहे हैं और ये भी बड़ी अच्छी हेल्थी इसकी ग्रोथ जारी है। तो मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ये थोड़ा सी अपने जो कटिंग्स के हवाले से कि अपडेट के हवाले से थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन शेयर आउट करना चाह रहा था, और ताकि जिन जिन्होंने अगर कटिंग्स नहीं लगाई वो कटिंग्स लगा सकते हैं। और मानसून का भी स्टिल महीना चल रहा है, इस महीने के अंत तक आप लगा लें कटिंग है। और उम्मीद करेंगे कि मेरे गार्डन फ्रेंड्स को ये वीडियो पसंद आएगी। बाय आसिम नवाज फ्रॉम वागी सुमसिंगार।